हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विकास राज आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। आज से शुरू हो चुका है हमारा 90 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें मैं बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दूँ। आज हमारी बेसिक क्लास है। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में। दोस्तों चलिए अब सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट ये होता है कर्ता, जो कर्ता मीन्स जो काम करता है, कार्य करने वाला, इसे बोलते हैं कर्ता। और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों, और सिंगुलर सब्जेक्ट एक को डिनोट करता है और प्लूरल सब्जेक्ट एक से अधिक को डिनोट करता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे। क्योंकि बेसिक क्लास है, मैं इनकी हिंदी भी आपको बता देता हूं। कुछ लोगों को पता होगा इनकी हिंदी क्या होती है, बट दोस्तों बेसिक क्लास है तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ही मिस होता है बहन, ये यूज होता है लड़के के लिए। और सी मीन्स भी वह होता है, यह यूज होता है लड़की के लिए। इट मीन्स होता है यह है। इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। आई मीन्स होता है मैं, यू बी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, और दे होता है बे। दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट कर सकते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये इज से लेकर के कुड़ तक है। ये होता है शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए, ये चाहिए के लिए यूज होता है। और आज हम इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है वर्ब, और ये होता है क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। और दोस्तों क्रिया को एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जैसे आना जाना, खेलना, दौड़ना, पीना, खाना, जाना, नहाना। ये सब क्या होते हैं? जो हम काम करते हैं या जो काम होता है उसे बोलते हैं वर्ब, क्रिया या एक्शन वर्ड्स। और दोस्तों ये मैंने 10 वर्ब्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आना से लेकर के स्लीप तक। इसके बाद दोस्तों रूल देख लेते हैं। ये रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बट दोस्तों अभी बेसिक क्लास है तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, जैसे है मुझे जाना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आता है वर्ब। जैसे आई हेल्पिंग वर्ब शुड और फिर वर्ब, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। इस तरह से
ये अब नेक्स्ट सेंटेंस में ले लेता हूं, हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी, उसके बाद में ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब शुड, और लास्ट में आएगा वर्ब गो। दोस्तों इसके बाद में नोट वाला भी हम रूल देख लेते हैं। नोट में कैसे होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट और वर्ब, यानी कि या तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, या इस तरह से याद रख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर नोट आएगा। सब्जेक्ट वन, हेल्पिंग वर्ब टू और नोट थ्री, दो तरीके हैं याद रखने के, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा या तीसरे नंबर पर नोट आएगा। दोस्तों इसी तरह से मैं एक नोट वाला भी सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मुझे नहीं जाना चाहिए। तो किस टाइप से बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये रही, उसके बाद नोट, आफ्टर दैट वर्ब, तो आई शुड नोट गो, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड नोट गो, इस टाइप से ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट और वर्ब, इस टाइप से ये सेंटेंस होते हैं। दोस्तों ये मैंने 5 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं। दोस्तों आप इन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे आंसर भेज सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको इसमें जो गलती होगी आपकी वो मैं आपको पिन करके बता दूंगा। दोस्तों बस मैं विकास राज अपने आज की क्लास में आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज की क्लास में बस केवल इतना ही।